हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा आप लोग ठीक होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल कुर्बानी नॉलेज में आप लोगों का बेहद स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट मिस्टर चितरंजन कुमार। अभी मैं आ गया हूं जगन्नाथपुरी धाम, जो चार धाम में से एक धाम जगन्नाथपुरी धाम है। यहां मैं मंदिर के थोड़ा पास में हूँ, है ना, किनारे पर। तो अब अंदर में जाके जो अपडेट करता हूँ, देखिए कितना खूबसूरत है यहाँ पर है। जो हवा के विपरीत दिशा में झंडा ध्वज ये होता है लहराता है ना, तो ये है। और वो चक्र जो देख रहे होंगे, तो चक्र जो है यहाँ पे, देखिए यहीं से देखिएगा तो आप ही के तरफ पे जो घुमा हुआ प्रतीत होता है, ये ऐसा चक्र है। तो आप लोगों को अंदर में ले जाकर देखा था। ये भाई जी हमको जो कुछ कुछ बता रहे हैं, है ना, ये कबूत है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को आज रथ यात्रा की कुछ विशेष महत्व के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है, वह पूर्ण जन्म चक्र से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता हुआ रथ यात्रा में सम्मिलित होता है, उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। जाने वाले भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और अपनी बहन सुभद्रा के साथ हर साल उड़ीसा के पुरी शहर में रथ की सवारी करने निकलते हैं और इस यात्रा को दुनिया भर में रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने का पुण्य 100 योगों के बराबर माना जाता है। पर भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा मंदिर से बाहर आकर जगत का कल्याण करते हैं। भगवान जगन्नाथ श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी उड़ीसा में होने वाली रथ यात्रा और भगवान जगन्नाथ जी की महिमा अवर्णनीय है। भारत के उड़ीसा राज्य का पुरी क्षेत्र, जिसे पुरुषोत्तम पुरी संघ क्षेत्र श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि है। उत्कल प्रदेश के प्रधान देवता श्री जगन्नाथ जी ही माने जाते हैं। यहाँ के वैष्णव धर्म की मान्यता है कि राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक एवं श्री जगन्नाथ जी इसी प्रतीक के रूप में जगन्नाथ जी से संपूर्ण जगत का उद्भव हुआ। पूर्ण परम्पर प्रात पर भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को जगन्नाथपुरी में प्रारंभ होती है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा मंदिर से बाहर जा आकर जगत का कल्याण करते हैं। भगवान जगन्नाथ श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी उड़ीसा में होने वाली रथ यात्रा और भगवान जगन्नाथ जी की महिमा अवर्णनीय है। इसका उल्लेख विशेष रूप से स्कंद पुराण वैष्णव खंड के अंतर्गत पुरुषोत्तम क्षेत्र महातम्य है। हालांकि रथ यात्रा का वर्णन बढ़ा पुराण दी अन्य पुराणों में भी है। गजपति महाराज दिव्य सिंह देव महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर के प्रथम सेवक है, साथ में जग गुरु शंकराचार्य पूरी पीठाधीश्वर भी रहते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार प्रथम मानवतर के द्वितीय खंड सतयुग में जगन्नाथ जी की पहली रथ यात्रा निकली थी, जब परमेश्वर इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में नीलमाधव रूप में उपस्थित थे। उसी स्थान पर जहां वह श्री मंदिर है, उस समय वह अंतर्धान हो गए। महाराज इंद्र धुम्मन उस समय इस पृथ्वी के सम्राट थे। उनकी राजधानी अवंती नगरी में थी, जो अब उज्जैन है। उनकी प्रार्थना तपस्या और भक्ति से वही परात्मा परसमर दारु विग्रह के रूप में बलराम और सुभद्रा के साथ प्रकट हुए। जब राजा इंद्रधूम ने जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति बनवाई, तो रानी गुंडीचा ने मूर्तियां बनाते हुए मूर्तिकार विश्वकर्मा और मूर्तियों को देख लिया, जिसके चलते मूर्तियां अधूरी रह गई। जब आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं, इसके बाद राजा ने इन्हीं अधूरी मूर्तियों के मंदिर में स्थापित कर दिया। उस वक्त भी आकाशवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर जाएंगे। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के अनुसार राजा इंद्रधूम ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीय के दिन
प्रभु के उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से यह परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। महाराजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी का भव्य मंदिर सतयुग के प्रथम मन्वंतर में निर्माण कराया। वह मंदिर 1500 फीट ऊंचा था। जिस स्थान पर भगवान का आविर्भाव हुआ है वह इस समय का गुंडीचा मंदिर है। इस समय यह मंदिर नहीं था, भगवान का आविर्भाव एक मंडप हुआ था। उस मंडप से लेकर जो आदि मंदिर महाराज इंद्रद्युम्न ने निर्माण किया था वहाँ तक पहुँचाने के लिए प्रथम रथ यात्रा की सूचना हमें स्कंद पुराण से मिलती है। इसी अन्य कल्प के श्री कृष्ण अवतार के समय सुभद्रा के द्वारिका दर्शन का इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण और बलराम ने अलग अलग रथों में बैठकर यात्रा की थी। सुभद्रा की नगर यात्रा की स्मृति में यही यह रथ यात्रा पूरी में हर साल होती है। इस समस्त रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, प्रसन्न पुराण और ब्रह्म पुराण में भी बताया गया है। यह मंदिर को गुंडीचा बारी भी कहते हैं। यह भगवान की मौसी का घर है। इस मंदिर के बारे में प्रारंभिक मान्यता है कि यहीं पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की इस यात्रा की रस्म को बहुरा यात्रा कहते हैं। यह रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर से उस वक्त की श्री मंदिर तक हुई थी। उसी पुराण में भगवान ने सेवन कहा है कि साल में एक बार वह अपने श्री मंदिर से अपने जन्म स्थान मथुरा जाना चाहते हैं, क्योंकि जन्म स्थान उन्हें बहुत प्रिय है और यहाँ 7 दिन रहना चाहते हैं। 7 दिन बाद वापस आते हैं, जिसे हम बहुरा यात्रा कहते हैं। फिर भगवान अपने श्री मंदिर में पुनः विराजमान होते हैं। यह सनातन वैदिक धर्म की बहुत ही अलग सी परंपरा है। इसलिए वैदिक परंपरा में जब हमारे मूल विग्रह जब मंदिर में गर्भगृह में अपने सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं तब उनको वहाँ से हटाया नहीं जाता। यहाँ जगन्नाथ जी सबके नाथ हैं। सबके नाथ का मतलब केवल पृथ्वी के लोगों के ही नाथ नहीं है बल्कि पूरे ब्रह्मांड के नाथ हैं, जगत के नाथ हैं। ऐसे में सबका अधिकार है उनके दर्शन व उनकी कृपा प्राप्त करने की। ऐसी यह संभव असंभव है कि मूल विग्रह मंदिर के अंदर रहे। परंपरा को भंग करते हुए भगवान कहते हैं कि मैं शिवम घर से निकलूंगा ताकि ब्रह्मांड के जितने भी प्राणी हैं यहाँ तक कि देवी देवता भी मेरा दर्शन कर सके। यह रथ यात्रा का मूल उद्देश्य है। यह स्कंद पुराण में वर्णित है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि साल में 2 तिथि में मंदिर के बाहर भगवान दर्शन देते हैं। इसमें से एक है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 2वीं तिथि। फिर रथ यात्रा एवं बहुरा यात्रा के पश्चात भगवान जब अपने घर में आते हैं वह तिथि आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी होती है। इससे पहले श्रेष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान भक्ति को मंदिर से बाहर दर्शन देते हैं। यहाँ प्रभु की स्नान यात्रा की जाती है। इसका महत्व है कि स्नान वैदिक धर्म में जो मूल विग्रह है वह शिवम सिंहासन को त्याग करके मंदिर के बाहर निकलते हैं। यह अन्य परंपरा है क्योंकि यह जगत के नाथ है, इसलिए रथ यात्रा में कोई भेदभाव नहीं रहता। सभी धर्म संप्रदाय के लोग समान रूप से इसमें भाग लेते हैं। महाप्रभु के महाप्रसाद में भी यही भावना है, सभी एक समान रूप से लेते हैं। जगन्नाथ महाप्रभु ही परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि इस स्थान को परमात्मा कभी नहीं छोड़ते, मंदिर हो या न हो। यह रथ यात्रा पूरी का प्रधान पर्व भी है। इसमें भाग लेने के लिए, इसके दर्शन लाभ के लिए हजारों लाखों की संख्या में बाल वृद्ध युवा नारी देश के सुदूर प्रांतों से आते हैं। श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथों का निर्माण किया जाता है। इस रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ चलता है, बीच में बन सुभद्रा और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ जी का रथ चलता है। इन रथों को बनाने की शुरुआत अक्षय तृतीया से होती है। रथों का निर्माण के लिए दारू नामक नीम की लड़कियों से किया जाता है जिन्हें वेद पवित्र माना गया है। इसके साथ ही रथों की ऊंचाई का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। हर साल बनने वाले ये रथ एक समान ऊंचाई के ही बनाए जाते हैं। इसमें भगवान जगन्नाथ के रथ की 45.6 फीट होती है, बलराम जी का रथ 45 फीट ऊंचा होता है और देवी सुभद्रा का रथ 44.6 फीट ऊंचा बनाया जाता है। बलराम जी के रथ का नाम
ताल ध्वज है और लाल और हरे रंग का होता है।